हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर एक्साइटिंग वीडियो। एंड ये वीडियो स्पेशली टीनेजर्स गर्ल्स के लिए है। मैं उनके लिए एक टीनेजर स्किन केयर रूटीन लेके आई हूँ जो उनकी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल एंड इफेक्टिव रहेगा। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड वीडियो को पूरा एंड तक देखें ताकि आपको एक अच्छा स्किन केयर रूटीन मिल सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फटाफट से। स्टेप वन इज़ क्लेंसिंग एंड फेस वॉश। मैं यहाँ पे जोवेस का टी ट्री ऑयल फ्री फेस वॉश यूज़ कर रही हूँ। फेस वॉश हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि जितना भी ऑयल पोल्यूशन एंड डर्ट हो वो हमारी स्किन से अच्छी तरह बाहर निकल सके। आप अपने स्किन टाइप के हिसाब से फेस वॉश यूज़ कर सकते हैं। ऑयली स्किन के लिए जेल बेस्ड फेस वॉश एंड ऑयल फ्री फेस वॉश, एंड ड्राई स्किन के लिए हाइड्रेटेड फेस वॉश। स्टेप टू इज़ टोनर। टीनेजर्स के लिए सबसे अच्छा है पिलग्रिम्स टोनर एंड रोज़ वाटर जो हर स्किन टाइप्स को अच्छे से सूट कर सकता है। टोनर जो आपके स्किन को हाइड्रेटेड रखता है और आपके पोर्स को मिनिमाइज करता है। मैं यहाँ पे पिलग्रिम का टोनर यूज़ कर रही हूँ। आप चाहो तो रोज़ वाटर भी यूज़ कर सकते हो। स्टेप थ्री इज़ मॉइस्चराइजिंग। अपने स्किन को मॉइस्चराइज करके रखना बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। मैं आपको यहाँ पे टू मॉइस्चराइजर सजेस्ट कर रही हूँ। फर्स्ट है डेगा का एलोवेरा जेल एंड सेकेंड है पिलग्रिम का फेस क्रीम। मैं यहाँ पे डेगा का एलोवेरा जेल यूज़ कर रही हूँ जो मेरे स्किन को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट एंड नरिशिंग करता है। मॉइस्चराइजर करते हुए हमेशा आपको 30-40 सेकेंड अच्छे से अपने फेस को मसाज करना है जिससे अच्छे से हमारा फेस मॉइस्चराइज रह सकेगा। स्टेप फोर इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हर किसी लड़की को बहुत ज़्यादा पसंद है वो है लिप बाम। लिप बाम को हम बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते जो आपके लिप्स को एक सॉफ्टनेस एंड पिंकिश बनाता है। हमें हमेशा लिप बाम अप्लाई करना चाहिए। अगर आपके लिप्स ड्राई चैप एंड डार्क रहते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। स्टेप फाइव इज़ अप्लाइंग शीट मास्क। हमें अपने स्किन को हाइड्रेटेड रखने के लिए शीट मास्क का यूज़ करना चाहिए जो हमारे स्किन को बाहर से नहीं बल्कि अंदर से भी सॉफ्ट एंड ग्लोइंग बनाता है। यहाँ पर मैं एलोवेरा का शीट मास्क यूज़ कर रही हूँ जो मेरे स्किन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा है। एलोवेरा एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हर स्किन टाइप को सूट करता है और सबके लिए हेल्दी एंड इफ़ेक्टिव रहता है। आप चाहे तो मामाअर्थ का शीट मास्क भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा यूजफुल रहता है। आप देख सकते हैं कि शीट मास्क कैसे यूज़ करना चाहिए। बिल्कुल भी चैपी एंड क्रैकी नहीं होना चाहिए। उसे अच्छे से अपने फेस में क्लीन अप करना चाहिए और 10 मिनट्स के बाद आपको इस शीट मास्क को हटा देना है। शीट मास्क हटाने के बाद आपके फेस पे जो मॉइस्चराइज़र है उसे अच्छे से अपने स्किन में ऑब्जर्व होने के लिए मसाज करना चाहिए 30-40 सेकेंड। स्टेप नंबर सिक्स इज़ स्टीमिंग। यहाँ पर आपको कॉटन का रुमाल या कॉटन का कोई भी कपड़ा लेना है। उसे गर्म पानी में डिप करके अपने फेस को 30-40 सेकेंड के लिए अच्छे से स्टीम करना है जिससे आपके जो ओपन पोर्स खुल गए होंगे वो अच्छे से बंद हो जाएंगे और उसके अंदर डर्ट एंड पोल्यूशन नहीं जाएगा। ऑल स्टेप करने के बाद आप लिप बाम अप्लाई करना मत भूल जाना। मैं यहाँ पे डेगा का बीटरूट लिप बाम यूज़ कर रही हूँ। तो यही था मेरा सिंपल सा, बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा टीनेजर स्किन केयर रूटीन जिसे आप फॉलो करोगे तो आपको इनके रिजल्ट बहुत ही जल्दी मिलेंगे। और अगर आपको ये मेरी टीनेजर स्किन केयर रूटीन वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।